Hello, Namaskar, good morning and welcome to the session of PIB 24-7 where we will discuss 5 questions from the PIB news and I am your mentor Manish Mishra. So let's start guys, today's session with question number 1. The sale of Chinese goods on the dedicated online trading platform for state-run agencies, that is government e-marketplace, will now be difficult as the government has made it mandatory for sellers to mention the country of origin of products. रिसेंटली जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जिसपे सारी स्टेट रन एजेंसीज अपना सामान प्रोक्योर करती हैं, वहां पे गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन मार्क होना चाहिए. राइट, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अबव मूव एंड पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव मूव. राइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट दिस. सो व्हाट हैज हैपेंड, सो रिसेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विच इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर सेलर्स टू एंटर द कंट्री ऑफ ओरिजिन व्हाइल रजिस्टरिंग ऑल न्यू प्रोडक्ट्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. राइट, एंड दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज टेकन दिस स्टेप टू प्रमोट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव. इसी तरीके का बिल्कुल सेम स्टेप गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनी को भी लेने के लिए कहा है और रिस्पांस में इन कंपनीज में काफी अच्छा रिप्लाई दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दैट दे आर रेडी टू डू दिस. राइट, बट अभी इनके साथ बात चल रही है, अभी इनके साथ कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है. इनको एक प्रपोजल दिया गया था कि आप भी अपने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंट्री ऑफ ऑरिजिन मार्क करवाओ. सो उसके लिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज है उन्होंने टाइम लिया है गवर्नमेंट से कि आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट्स को अपडेट वगैरह करना पड़ेगा. सो इनके साथ भी इस रिगार्डिंग बात चल रही है. ओके, नाउ ऑलरेडी अपलोडेड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बीइंग अपग्रेडेड मैंडेटरीली विद दिस न्यू फीचर दैट इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन. इफ अनेबल टू डू द सेम दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. जो ऑलरेडी अपलोडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ये कंट्री ऑफ ओरिजिन फीचर को फॉलो करना पड़ेगा और अगर वो नहीं कर पाए तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द जेम. एंड जेम हैज एनेबल्ड अ प्रोविजन फॉर इंडिकेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ लोकल कंटेंट इन द प्रोडक्ट्स. जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि कुछ पार्ट उसमें इंडिया का है, कुछ पार्ट चाइना का है, कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया का है, तो उसमें हमें ये मेंशन करना होगा कि कितना परसेंट ऑफ द पार्ट इंडियन कंपनीज का है. ओके, दे कैन ऑल्सो स्विच ऑन अ न्यू मेक इन इंडिया फिल्टर टू सी प्रोडक्ट्स दैट मैच देयर प्रेफरेंसेस ऑन लोकल कंटेंट. एंड दिस न्यू फिल्टर हैज बीन एनेबल्ड ऑन द पोर्टल सो दैट द बायर्स कैन चूज टू बाय ओनली दोज प्रोडक्ट्स that meet the minimum 50% local content criteria. All right, इससे ये जो local content वाला percentage डालने का जो benefit है वो ये होगा कि जो भी buyer है वो ये choose कर पाएगा कि जो minimum 50% local content criteria है वो follow हो रहा है while procuring the products. All right, now what is this government e-marketplace? So guys, this is basically a national public procurement portal to facilitate online procurement of commonly used goods and services that is required by various central and state governments. It was launched in 2016 under the Ministry of Commerce and Industry to bring transparency and efficiency in the government buying process. Right? And the procurement of goods and services by ministries and CPSEs is mandatory for goods and services available on GM. Agar koi product government hi marketplace pe available hai, to sari ministries aur sare central public sector enterprises ke liye ye mandatory hai ki wo wahin se buy karenge. It also provides the tool for e-bidding and reverse e-auction to facilitate the government users achieve the best value for their money. And at present, GEM has more than 15 lakh products, around 20,000 services and more than 40,000 government buyer organization. All right. So it is a huge success for the government of India. So now what was the question? We have to find the incorrect statement regarding the move. So the statement one is already uploaded products shall be removed from GEM if they fail to update the same. Yes, this is absolutely correct. They will be removed. Already uploaded product could be sold without this feature. No, they have to follow this feature. And statement three is this feature is not beneficial for Make in India campaign. So no guys, it is beneficial. So this statement is also incorrect. So therefore the correct answer will be what guys? Option two, option B, two and three. Okay. Now let's move on to question number 2, which is about Yukti 2.0. हम सब ने पढ़ा था about Yukti, which is Young India Combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation Portal that was launched to identify ideas relevant in COVID pandemic. Now, recently Ministry of HRD ने लॉन्च कर दिया है initiative Yukti 2.0. हमें बताना है कि इनमें से क्या Yukti 2.0 का significance नहीं है. Following are the significance of the initiative Yukti 2.0 except. Okay. So now, let us first discuss about this Yukti 2.0. So recently NHRD has launched this initiative Yukti 2.0, which is an extension of Yukti,
which was launched to identify the ideas relevant in COVID pandemic. Okay, and it has been launched to help innovators and entrepreneurship culture in our higher education system and involve youth in nation building. जो इनोवेटर्स हैं, जो इनोवेशन करते हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो हमारा यूथ है उसको नेशन बिल्डिंग में इन्वॉल्व करने के लिए इस स्टेप को लॉन्च किया गया है. एंड द विलिंग स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टार्टअप्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव टू रजिस्टर ऑन द युक्ति पोर्टल एंड दे विल शेयर देयर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन. जो भी विलिंग स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं या कोई भी स्टेक होल्डर्स है ऑफ हायर एजुकेशन, वो युक्ति पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपने टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन को शेयर कर सकते हैं. एंड द डेटाबेस रिलेटेड टू इनोवेशंस व्हिच हैव कमर्शियलाइजेशन पोटेंशियल विल बी शोकेस्ड टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी सच एज बिजनेसमैन, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. दैट इज द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सेल देयर आइडियाज. और अगर कोई ऐसा इनोवेशन है जिसके पास कमर्शियलाइजेशन पोटेंशियल है तो उसको शोकेस कर दिया जाएगा टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, फार्मर हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आइडियाज को, अपने उस इनोवेशन को सेल कर सके. नाउ व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस स्टेप गाइस? सो इट इज नीडेड टू सपोर्ट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स कीन ऑन परस्यूइंग द स्टार्टअप्स अलोंग विद एकेडमिक्स. इट इज नीडेड टू इमर्ज एज मार्केट प्लेस फॉर कनेक्टिंग इनोवेटर्स विद इन्वेस्टर्स सो दैट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज कैन बी टेकन फॉरवर्ड फॉर कमर्शियलाइजेशन. And it is also in line with Atmanirbhar Bharat. Okay, and it will also help in fostering the culture of innovation and entrepreneurship in academic institutions. All right. So this was the need about launching Yukti 2.0. So now what was the question? Following are the significance of the initiative, except in mein se kya is initiative ka significance nahi hai. So option A is it will offer solutions to the problems faced by the country. Yes, it will offer solution to the educational problem faced by the country. It will provide the platform for giving practical importance to the innovations done in Yukti, the previous one. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि जो युक्ति पोर्टल था इससे पहले का उसमें उसको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देने के लिए लॉन्च किया गया है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सो देयर फॉर गाइज द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा. बाकी ऑप्शन भी रीड आउट कर लेते हैं. इट विल प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द इनोवेशन इको सिस्टम of our higher education institution. Yes, it will help in fostering the culture of innovation and entrepreneurship. Yes, it will support student entrepreneurs. Yes, so therefore the correct answer will be what? Option B. Now let's move on to question number 3. The World Bank has released, World Bank is headquartered in Washington DC and it is headed by David Malpass. All right, David Malpass is the president of World Bank. So World Bank has released new purchasing power parities for reference year 2017 under International Comparison Program or ICP that adjusts for differences in the cost of living across economies of the world. Which of the following is not correct about the global status in this release? Okay. So now let us discuss about this. So recently World Bank has released this new purchasing power parities for reference year 2017 under ICP that adjusts for differences in the cost of living across economies of the world. And India is a co-chair of the ICP governing board and has participated in almost all ICP rounds since its inception in 1970. Okay. And jo hamara Ministry of Statistics and Program Implementation hai, that is the National Implementing Agency for India, which has the responsibility of planning, coordinating and implementing national ICP activities. Okay. And the ICP 2017 results estimates of annual PPPs, that is for the period of 2012 to 16, and the next ICP comparison will be conducted for the reference year 2021. Now, what is the global status? So globally 176 economies participated in this 2017 cycle of ICP. The PPPs of Indian rupees per USD at GDP level is now 20.65 in 2017 from 15.55 in 2011. And these are some other data. Agar aapko ye data yaad rehta hai, then that is well and good. Otherwise, it is not so important because itna zyada data exam mein nahi pucha jata. Alright. And what about the rankings? In 2017, India retained and consolidated its global position as the third largest economy and accounted for 6.7% of global GDP in terms of PPPs. China was at first position and USA at the second. India is also the third largest economy in terms of its PPP based share in global actual individual consumption and global gross fixed capital formation. Okay. And what about the regional status? Jo India ka regional status hai. So in the Asian Pacific countries, India is the second largest economy and accounted for 20.83% of regional GDP in terms of PPPs.
एंड चाइना स्टैंड्स फर्स्ट विद 50.76% एंड इंडोनेशिया इज एट थर्ड पोजीशन विद 7.49%. ओके, सो दिस वाज अबाउट द रीजनल स्टेटस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल स्टेटस इन दिस रिलीज. इंडिया इज अ को चेयर ऑफ द आईसीपी गवर्निंग बॉडी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. चाइना वॉज एट फर्स्ट पोजिशन. करेक्ट. यूएसए इज एट सेकेंड. यस. इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इट्स पीपीपी बेस्ड शेयर इन ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन. नो गाइज, इंडिया इज एट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन डी. ऑल राइट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम. सो रिसेंटली लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम बाय सीबीआईसी. सीबीआईसी ने लॉन्च किया है तुरंत कस्टम्स. तुरंत इन इंग्लिश मीन्स इमीडिएट. ऑलराइट, सो इस प्रोग्राम के बारे में बताना है कि इनमें से क्या इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट. सो सीबीआईसी अनवील्ड अ सिक्योर क्यूआर कोडेड शिपिंग बिल दैट वुड बी इलेक्ट्रॉनिकली सेंट टू एक्सपोर्टर्स आफ्टर द कस्टम्स अलाउ एक्सपोर्ट. सो सीबीआईसी ने क्या लॉन्च किया है? बेसिकली एक क्यूआर कोडेड शिपिंग बिल है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया जाएगा टू एक्सपोर्टर्स को आफ्टर द कस्टम्स अलाउ एक्सपोर्ट. जब कस्टम्स एक्सपोर्ट को अलाउ कर देगा तो उसके बाद वो शिपिंग बिल जो है क्यूआर कोडेड होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर दिया जाएगा टू द एक्सपोर्टर्स. एंड दिस विल इनेबल एंड टू एंड पेपरलेस एक्सपोर्ट्स अंडर तुरंत कस्टम्स. ऑलराइट, एंड दिस हैज बीन लॉन्च्ड. इट इज अ बेसिकली अ मेगा रिफॉर्म फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया. एंड द प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर फास्टर कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. And it would be implemented in phases across the entire country by 1st January 2021. Okay, now how it will be beneficial? So this will eliminate the requirement of the exporters to approach the customs officers for proof of export. जो proof of export के लिए exporters को custom officer के पास जाना पड़ता था, उस चीज को eliminate कर देगा ये. This also makes the end-to-end customs export process fully electronic from the filing of the shipping bill to the final order to allow export. This step has been taken by CBIC for fulfilling its commitment to a faceless, paperless and contactless customs under the umbrella of its Turant Customs program, and it will also promote green customs because paperless hoga, so it will promote green customs. Okay, so this was about the Turant Customs program of CBIC. Now, which of the following is not the objective? So Turant Customs is a mega reform for ease of doing business. Yes, it will promote green customs. Yes. CBIC has launched program this Turant Custom. Yes, CBIC ne launch kiya hai isko. It aims to take advantage of the technology for faster custom clearance of exported goods. No guys, this is not for exported goods, this is for imported goods. So therefore the correct answer will be what? Option D, which is not the objective of the Turant Customs program. Okay, so now let's move on to the question number 5, which is the last question for today, and this is very important question. This is about a new scheme that has been launched by the government of Jharkhand. So which state is set to launch a 100-day employment scheme, which is Mukhya Mantri Shramik? So I already told you answer. The answer is Jharkhand. For urban unskilled workers similar to Manrega amid the coronavirus pandemic and increasing unemployment. All right, so this scheme has been launched by the government of Jharkhand, Mukhya Mantri Shramik scheme. So now let us discuss about this. So Jharkhand is set to launch a 100-day employment scheme for urban unskilled workers similar to Manrega amid the coronavirus pandemic and increasing unemployment. And the name of this scheme is Mukhya Mantri Shramik. And Shramik ka full form hai Shahri Rozgar Manjuri for Kamgar Yojana. Shahri Rozgar Manjuri for Kamgar Yojana. And under this, the workers will be able to demand work either in writing or orally for a minimum of 7 days and a maximum of 100 days. So basically, jo work hoga isme demand based hoga. 7 din ka minimum kaam milega aur maximum 100 days ka. If a worker has a child of 5 years or less, then a female worker will need to be employed to take care of the child and paid the minimum wage. All basic amenities, medical facilities, registration as well as social security will be provided to them. Alright, and it is a demand based work, and jo work hoga will be divided into various categories like cleanliness, water harvesting, tree plantation, public works, construction, etc. Workers will be paid the minimum wage as notified by the state government. The amount will be credited to the bank account of workers either after work or within 7 days of the completion of work. In any situation, the payment has to be made within 15 days of the completion of the work. 15 din ke andar within 15 days of the completion of the work payment ho jani chahiye in any situation. All right,
एंड देर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लाइक मनरेगा. दिस स्कीम विल ऑल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वेयर अ पर्सन हु हैज आस्क्ड फॉर वर्क डज नॉट गेट इट विद इन 15 डेज विल बी लायबल टू बी पेड 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज एज अलाउंस फॉर द फर्स्ट मंथ. अगर उसको 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिलता है तो पहले महीने उसको 1/4 मिलेगा मिनिमम वेज का, हाफ द वेज इन द सेकेंड मंथ, अगले सेकेंड मंथ में हाफ वेज मिलेगा और थर्ड मंथ में उसको पूरा मिनिमम वेज मिलेगा अगर उसको काम नहीं मिलता है तो. राइट, अर्बन वर्कर्स विल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एंड दे वुड बी प्रोवाइडेड जॉब कार्ड्स. अ स्पेशल वेबसाइट इज ऑल्सो बींग डिजाइंड सिमिलर टू द वेबसाइट फंक्शंस इन मनरेगा एंड द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट थ्रू द स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन. ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट द स्कीम एंड द करेक्ट आंसर गाइज इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द करेक्ट आंसर इज झारखंड. ऑलराइट, सो गाइज दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप यू लाइक इट. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.